नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जनवरी माह में आने वाले महत्वपूर्ण दिवसों की। सबसे पहले आता है 1 जनवरी। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे। उसके बाद 4 जनवरी। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस। 4 जनवरी को विजुअली हैंडीकैप लोगों के लिए एक ब्रेल लिपि की खोज करी थी लुईस ब्रेल ने, उन्हीं का जन्मदिवस आता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था, इसीलिए 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस 12 जनवरी। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म कोलकाता में होता, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सेना दिवस। उसके बाद आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को सबको पता है, 15 जनवरी को सेना दिवस, आर्मी डे, सेना दिवस। 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले सेना अध्यक्ष एम करियप्पा का चयन हुआ था, उनको सेना अध्यक्ष बनाया गया था, इसीलिए 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। उसके बाद आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका 26 जनवरी। 26 जनवरी को एक तो आपको पता ही है गणतंत्र दिवस, दूसरा इंटरनेशनल कस्टम डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। उसके बाद 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग निवारण दिवस। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसीलिए 30 जनवरी को सही दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले